वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल एक्सेल इंफोटेक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज का हमारा टॉपिक है एच लुकअप के साथ इफ एरर फंक्शन। वी लुकअप का फंक्शन मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, अगर आपको नहीं पता तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, वी लुकअप को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एच लुकअप के बारे में। तो एच लुकअप का जो फंक्शन है वो बेसिकली हमारा हॉरिजॉन्टल शीट के लिए यूज किया जाने वाला फंक्शन है। वी लुकअप और एच लुकअप में कोई खास डिफरेंट नहीं है। वी लुकअप का मतलब है कि आपका जो डेटा है वो वर्टिकल में होना चाहिए, तो आप उस जगह पर वी लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे, और यहाँ पर हमने जो डेटा लिया हुआ है वो हॉरिजॉन्टली लिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर एच लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे हमारा जो डेटा है वो हॉरिजॉन्टल में है। यहाँ पर आईडी है, एम्प्लॉई नेम है, पोस्ट, मंथली सैलरी और ग्रॉस सैलरी तक हमारे पूरा डेटा बना रखा है। यहाँ पर आपको सेकंड सेल पे जाना है और यहाँ पर इक्वल टू का यूज करना है। यहाँ पे लिखना है आपको एच लुकअप। एच लुकअप लिखने के बाद आपको सेम जैसे वी लुकअप में मैंने बताया था कि लुकअप वैल्यू आपको क्या लेनी है, आईडी की रेंज लेनी है, इसके बाद कॉमा का यूज करना है। ये भी बता देता हूँ आपको कि आईडी का रेंज क्यों लिया जाता है। आईडी की रेंज इस वजह से ली जाती है क्योंकि जो भी फंक्शन आप जो भी डाटा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जो भी डेटा आप इस शीट में से निकालना चाहते हैं, वहां पर आपको किस जगह की रेंज लेनी होगी, यानी वो डेटा जहां पर आप पुट करेंगे उसकी रेंज लेने के लिए हम लुकअप वैल्यू की रेंज लेते हैं। इसके बाद आपको कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे, यानी ये जो डेटा आपके सामने रिप्रेजेंट करे, जो आईडी रिप्रेजेंट करे, वो किस टेबल में से, किस डेटा में से निकाल करके आपको दिखाए, तो उसके लिए आपको रेंज लेनी है पूरी टेबल की, यानी हॉरिजॉन्टल में अगर आपका डेटा है तो हॉरिजॉन्टल में ही ये वर्क करेगा, वर्टिकल में ये एच लुकअप फंक्शन काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमने आपको हॉरिजॉन्टली डेटा कन्वर्ट कर रखा है पहले से ही, तो पूरी टेबल की आप रेंज ले लीजिए, कॉमा का यूज करिए। रो कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब है कि आपका जो डेटा है जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं वो कितने नंबर पे है। तो एम्प्लॉई की नेम की अगर हम बात करें तो ये हमारा दूसरे नंबर पे है हॉरिजॉन्टल, तो सेम हम यहाँ पर टू लिखेंगे, कॉमा का यूज करेंगे। और यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि ट्रू एंड फॉल्स का क्या मीनिंग है। ट्रू का मतलब मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ट्रू का मतलब है अप्रॉक्स मैच। अप्रॉक्स मैच का जो मतलब है वो इस डेटा में से जो भी मिलता जुलता डेटा होगा वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर देगा। और फॉल्स का जो मतलब है वो एग्जैक्ट मैच है, यानी जो डेटा आप यहाँ पर, जो आईडी आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, सिर्फ वही डेटा आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ पर फॉल्स का यूज करेंगे, या तो आप फॉल्स लिख सकते हैं और या तो फिर आप चाहें फॉल्स की जगह पर जीरो का यूज कर सकते हैं। जीरो का यूज करने के बाद ब्रैकेट को हम करेंगे बंद और ब्रैकेट एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने वही एनए का एरर शो हो गया। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर हम सबसे पहले आईडी को डालकर देख लेते हैं कि क्या हमारा फंक्शन काम कर रहा है या नहीं। तो हम लेते हैं 101 आईडी, एंटर प्रेस करेंगे तो 101 पे कौन है, नायरा है, जो यहाँ पर सही फंक्शन वर्क कर रहा है, देख लीजिए। इसके बाद अब बात करते हैं हम मंथली सैलरी की। तो मंथली सैलरी के लिए भी हम सेम इसी तरह से फंक्शन का यूज करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर हम इफ एरर का क्या यूज करते हैं। इफ एरर के लिए आपको इज इक्वल टू से पहले आना है, आपको इज इक्वल टू के बाद आना है। यहाँ पे लिखना है आपको इफ एरर। इफ एरर लेने के बाद आपको शीट के बिल्कुल लास्ट में चले जाना है, कॉमा का यूज करना है, इनवर्टेड कोट का यूज करना है। यहाँ पर आप जो भी मैसेज चाहते हैं वो लिख दीजिए, जैसे मैंने लिखा नॉट मैच। नॉट मैच लिखने के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे इनवर्टेड कोट के साथ और एंटर प्रेस कर देंगे। आपको कुछ खास नजर नहीं आ रहा, नजर तब आएगा जब यहाँ पर हम कोई वैल्यू रॉन्ग डालेंगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 111, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इसने बता दिया नॉट मैच। बात समझ में आ गई, यानी कि जो एनए का एरर हमारे सामने शुरू में आया था उस एनए के एरर के मैसेज को ये रिमूव करके आप जो भी चाहें, जो मैसेज चाहें यहाँ पर शो करा सकते हैं। यही यूज है हमारे इफ एरर फंक्शन का। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर वापस 105 ले लेते हैं, तो 105 में अंश है। अब हम बात करते हैं इसकी मंथली सैलरी को, तो मंथली सैलरी भी आपका सेम इसी तरीके से निकलेगा, इज इक्वल टू एच लुकअप। एच लुकअप के साथ हम ले चलते हैं डायरेक्टली इफ एरर फंक्शन के साथ, हम इसका यूज करेंगे इफ एरर प्लस एच लुकअप। एच लुकअप के अंदर लुकअप वैल्यू रेंज लेनी है, क्या लेनी है आपको, आईडी की रेंज लेनी है, कॉमा यूज करना है, पूरी टेबल की रेंज लेनी है आपको, रेंज लेने के बाद कॉमा यूज करना है। आप मंथली सैलरी आपकी कितने नंबर पे है वो आपको यहाँ से काउंट करना होगा। तो मंथली सैलरी जो है हमारी वो चौथे नंबर पे है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 4 और फिर लिखेंगे कॉमा
उसके बाद लिखेंगे जीरो, ब्रैकेट को करेंगे बंद। इसके बाद कॉमा लगाने के बाद इनवर्टेड कोट के साथ आप जो मैसेज चाहते हैं एनए की जगह पर वो लिख सकते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पे नॉट मैच, इनवर्टेड कोट को बंद किया, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे अंश की जो मंथली सैलरी है वो 18,921 रुपए है। तो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं अंश कहाँ है। अंश है हमारा और इसकी जो मंथली सैलरी है वो है 18,921 रुपए। तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है हमारा। अब बात करते हैं हम लोग ग्रॉस सैलरी की। तो ग्रॉस सैलरी भी हमारा सेम इसी तरीके से निकलेगा, इफ एरर प्लस एच लुकअप। इसके बाद हम रेंज लेंगे यहाँ से आईडी की, कॉमा का यूज करेंगे, पूरी टेबल की रेंज लेंगे, कंट्रोल और एरो के साथ आप चाहे तो पूरी टेबल की रेंज ले सकते हैं। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो ये है हमारा 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर पे। तो हम यहाँ लिखेंगे 10, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच करने के लिए, ब्रैकेट को बंद करेंगे, कॉमा यूज करेंगे, इनवर्टेड कोट यूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग नॉट मैच, इनवर्टेड कोट को बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आप देखिए हमारा ये फंक्शन ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। अब यहाँ पर हम फिर से आईडी चेंज करके देखते हैं कि क्या ये सही में प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम देखते हैं 107 पे आप देखेंगे अंजू है जिसकी मंथली सैलरी 17,520 रुपए है। तो 17,520 रुपए है, अगर हम इसकी ग्रॉस सैलरी की बात करें तो इसकी ग्रॉस सैलरी है 17,695 रुपए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए आपका ये जो डेटा है वो शीट 1 पर है और अगर आपसे कहा जाता है कि आपको अपना डेटा जो है वो शीट 2 पे फाइंड आउट करना है, यानी आपको जो ये फंक्शन है जो लगाना है आपको वो बेसिकली आपको दूसरी शीट पे लगाना है, यानी आपका ये डेटा यहाँ से फाइंड होकर के इस जगह पर रिप्रेजेंट होना चाहिए, जो कि मैं पिछली VLOOKUP की वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर भी हम यही सेम फंक्शन यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके लिए। इसके लिए आपको सेम आईडी को ब्लैंक छोड़ना है, एम्प्लॉई आईडी पर क्लिक करना है, यहाँ पर इक्वल टू का यूज करना है और इफ एरर को हम साथ में लेके चलेंगे, इफ एरर प्लस एच लुकअप। आपको ध्यान रखना है आपका जो डेटा होना चाहिए वो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट होना चाहिए, यानी हॉरिजॉन्टली होना चाहिए, तो ही एच लुकअप का फंक्शन वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। तो सेम इसी तरीके से हम बात करते हैं एच लुकअप की। तो लुकअप वैल्यू आपको क्या लेनी है, मैंने आपको बताया कि आपको आईडी लेनी है, जो भी वैल्यू आप लुकअप करना चाहते हैं उसकी रेंज आप यहाँ पर लेंगे, कॉमा यूज करेंगे। टेबल एरे की अगर हम बात करें तो हमारा जो डेटा है वो शीट नंबर 1 पे है, तो यहाँ पर जाकर के आप अपनी पूरी डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा का यूज करना है और अब आपको ध्यान रखना है कि आपको शीट 2 पर नहीं जाना, डायरेक्टली आपको यहीं पर ही कॉमा 2 करना है और कॉमा 0 का यूज कर लेना है। ब्रैकेट को बंद करेंगे, 0 मैंने आपको बता दिया था एग्जैक्ट मैच के लिए, और इसके बाद कॉमा का यूज करेंगे और इनवर्टेड कोट के साथ आप जो भी एरर मैसेज चाहते हैं वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैंने लिख दिया नॉट फाउंड, यहाँ पर मैंने मैसेज थोड़ा सा चेंज किया है ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा फंक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है। एंटर प्रेस करिए। अब आप देखिए यहाँ पर नॉट फाउंड आ गया। नॉट फाउंड आने के बाद इसको ट्रैक कर दीजिए नीचे की तरफ और अब यहाँ पर जो भी आप आईडी डालेंगे, लाइक 101 अगर हम लेते हैं तो 101 की पूरा का पूरा डेटा हमारे सामने रिप्रेजेंट हो गया, और अगर हम डालते हैं 105 तो 105 पे अंश का आ गया, और अगर हम डालते हैं 109 तो 109 पे नमन है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट। तो आप देखेंगे हमारा फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।